जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन की उम्मीदवार स्वाति यादव भी काफी सक्रिय हैं। चरखी दादरी पहुंची, अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान गठबंधन की उम्मीदवार स्वाति यादव ने जीतने पर इलाके के विकास का दावा किया, तो वहीं सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। चिलचिलाती गर्मी, लोकसभा चुनाव सिर पर, फिर भी सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर प्रचार में लगे हैं। वहीं जेजेपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी स्वाति यादव कभी ट्रैक्टर पर तो कभी पैदल चलकर गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं। स्वाति कहती हैं कि उनके प्रचार के लिए किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ही उनकी स्टार प्रचारक है और जनता के आशीर्वाद और जोश के साथ वो संसद का चुनाव जीतने का लक्ष्य रख चुकी हैं। स्वाति ने कहा, हम भले ही नए हों, लेकिन चुनाव जीतकर व क्षेत्र में विकास करवाकर नया अध्याय लिखने का कार्य करेंगे। स्वाति यादव ने दादरी इलाके के कई गांव में करीब 2 दर्जन जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान स्वाति यादव ने कहा कि सांसद का चुनाव स्टार प्रचारक नहीं बल्कि खुद के बलबूते पर लड़ना चाहिए, इसलिए मैं जनता को ही स्टार प्रचारक मानकर और जीत का लक्ष्य रखकर लोगों के बीच पहुँच रही हूँ। जनता का जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, वह 23 तारीख को सांसद बनकर रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। स्वाति ने कहा, हम राजनीति में बदलाव के लिए सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी इस क्षेत्र से सांसद बने, वे सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करके गायब हो गए, विकास नहीं करवा पाए, क्षेत्र की समस्याओं को संसद तक नहीं ले जा पाए। आज वो किस हैसियत से जनता के बीच जा रहे हैं, जनता भी ऐसे लोगों से जवाब मांग रही है कि 5 साल तक कहाँ थे, आज लोगों को बहकाकर चुनावी मैदान में है, तो जनता इनसे जवाब मांग रही है। सांसद को अपने खुद के बलबूते पर खड़ा होना चाहिए, जैसे भाई दुष्यंत आज खड़े हैं अपने खुद के बलबूते पर, किसी और के बलबूते नहीं, किसी और के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी या राहुल गांधी जी जो है उनके नाम पर वोट नहीं मांग रहे, तो मेरा पहली बात तो ये मानना है। और दूसरा, मेरे स्टार प्रचारक मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरी जनता है जो आसपास मेरे सामने खड़ी है। कहूंगी कि हर एक व्यक्ति को, कोई भी आम आदमी है, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उनको एक ऑप्शन मिलना चाहिए, एक जरिया मिलना चाहिए लड़ने का, और हर के पास, हर किसी के पास ये एक ऑप्शन है। चुनाव प्रचार के दौरान स्वाति यादव ने सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, जबकि हकीकत यह है कि आज किसानों की आय 0 है। अगर कोई वायदे करता है तो उसे निभाना भी चाहिए, लेकिन जुमलों और झूठे वायदों के सिवाय कुछ नहीं किया गया। स्वाति यादव ने जेजेपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन के घोषणा पत्र को किसानों का घोषणा पत्र बताते हुए कहा कि जेजेपी और आप ने मिलकर ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसमें किसानों के साथ साथ सभी वर्गों का भविष्य संवारा जा सकता है। पहले ही एक मंडी में गई थी और वहाँ पर किसान की आय 0 थी, क्योंकि किसान ये कह रहे थे कि हम 5 दिन से अपनी सरसों लेकर खड़े हैं और कोई हमारी सरसों जो है खरीद नहीं रही है, तो आप 0 × 2 करेंगे तो वो 0 ही बनेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ऐसी मैनिफेस्टो में ऐसे पॉइंट्स डालने चाहिए जिनकी कोई बेसिस हो, जिनका कोई लॉजिक हो। तो यही कहना चाहूंगी, देखिए हमने जितने भी अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट्स रखे हैं, किसान को लेके रखे हैं, हमने सारी चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली तोला है। हमें पता है कि क्या मार्केट में बात चल रही है और उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने आगे अपनी बातें रखी। मतदान की तारीख के पास आने के साथ सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। स्वाति यादव ने जिस तरह से आम लोगों के मुद्दे उठाए हैं, उससे नई तरह की राजनीति के शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदीप साहू, चरखी दादरी, टोटल टीवी।